प्रदेश के दिव्यांगजन आयुक्त राजकुमार मक्कड़ ने आज कैथल में अधिकारियों की बैठक में दिव्यांगजनों को दी जाने वाली विभिन्न सुविधाओं और सेवाओं के बारे में जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने कहा कि सभी दिव्यांगजनों को UDID कार्ड बनवाना जरूरी है, तभी उन्हें विभिन्न योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा। दिव्यांगजन आयुक्त ने कहा कि दिव्यांगजनों के पुनर्वास की समस्या को दूर करने के लिए उपमंडलाधीश अधिकृत है। 4% नौकरियों में लगने के लिए और 4% इनकी प्रमोशन में लगने के लिए स्थिति है, खराब थी, खराब अभी भी है, लेकिन दिया जलाना किसने मना किया है? अंधेरा है, बिल्कुल सही है, लेकिन मोमबत्ती जलाना मना किसने किया है? तो हमारा प्रयास है कि इस अंधकार में एक प्रकाश की किरण हम जला सकें। समाज, मीडिया, दिव्यांगजन, उनके अभिभावक सब मिल करके एक इनका सुखद जीवन बने, सरल जीवन बने और एक इज्जतदार, सम्मानजनक नागरिक के नाते ये रह सकें, इसका प्रयास है। दिव्यांगजन आयुक्त ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि दिव्यांगों के लिए विशेष शिविर लगाकर उनके दिव्यांगता प्रमाण पत्र को जांच करके दोबारा बनवाएं। उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग निगम और सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक द्वारा दिव्यांगजनों को सस्ते ब्याज पर ऋण दिया जा रहा है। यहाँ के CMO को आज काफ़ी सख्त हिदायत दी गई है कि ये 23,500 का जो बैकलॉग है, इसको अगर स्पेशल आपको कैंप लगाने पड़ते हैं, कलायत में लगाओ, गुहला में लगाओ, चिका में लगाओ और ज़िले के अंदर जहाँ बड़े बड़े गांव हैं वहाँ पर स्पेशल कैंप जिला रेड क्रॉस के माध्यम से आंगनबाड़ी वर्कर, हेल्थ वर्कर, आशा वर्कर, ग्राम सचिव, इन सब का सहयोग लेकर के और ये कैंप लगेंगे आने वाले समय में और ज़िले के प्रत्येक दिव्यांग तक पहुंचा जाएगा। उसको बताया जाएगा कि भैया आपने ये रीअसेसमेंट कराना है, अपना नया डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाना है और UDID कार्ड बनवाना है। इसके लिए आज यहाँ पूछताछ हुई है और आने वाले समय में ठीक होगा।